गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने दो देशों के बॉर्डर को देखे होंगे, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया भूटान हो, चाहे इंडिया नेपाल हो, चाहे कोई और भी अन्य देश हो। आप लोग जानते होंगे किस प्रकार से देश के बॉर्डरों की सुरक्षा होती है, और कहीं ना कहीं लोग अपने देश की रक्षा के लिए और देश में बॉर्डर के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। चाहे हम लोग ने पूर्वोत्तर भारत में कहीं ना कहीं सीमा विवाद होते रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम खेत में हैं और ये दो गांव के बीच का बॉर्डर पर हम खड़े नहीं बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए हैं तो हम किस पर बैठे हुए हैं दोस्तों, ये है पत्थर। आप लोगों को दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से ये पत्थर है और आप लोग देखिए, ये है दो गांवों के बीच देवरिया पंडित और पूरनपुर इटौरी का बॉर्डर, मतलब तीन हिस्से में है दोस्तों। इसके सामने हमारे जो कि इस तरफ मेन रोड के उस तरफ इटौरी गांव है, और यहां पर देवरिया पंडित गांव है, और यहां पर पूरनपुर गांव है। कुछ इस प्रकार से इन बॉर्डरों का निर्माण इन पत्थरों के द्वारा हो रहा है हमारे गांव के क्षेत्र में। तो कुछ इसी प्रकार से गांव में बंटवारा बॉर्डर को लेकर होता है, और देखिए बीच में नाली है, लोग नाली के बीचों बीच एक जबरदस्त चीज है, देखिए नाली के बीचों बीच है यह पूरनपुर और देवरिया पंडित गांव का जबरदस्त बंटवारा, मतलब बॉर्डर इलाका। तो हम बॉर्डर इलाके पर इस वक्त हैं। अगर इस खेत में जमीन पर पैर रख दें तो ये देवरिया पंडित गांव में हो जाएंगे हम, और इस नाली में रख दें पैर तो पूरनपुर गांव में हो जाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार से बॉर्डरों की बंटवारा, जो कि देवरिया पंडित और पूरनपुर, कुछ इसी प्रकार से पत्थरों के द्वारा निर्माण है, और इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पहचान बनाने के लिए कहाँ से किस ओर कौन सा इलाका है। तो पत्थरों का इस नई टेक्निक के लिए दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, और कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को परिचित कराते रहेंगे नई चीज़ों से, और कुछ गांव के नए पहलुओं से आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि आप लोग जानते होंगे अभी तो वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, और काफ़ी सारी बातें हैं आप लोगों से करने के लिए। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त खेत है, और काफ़ी ज़्यादा फसल लहलहा रहे हैं, हवा तो चल नहीं रही है, लहलहाएंगे कैसे, जब हवा चलती है बारिश आती है तो सब सपाट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।